पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रमीज राजा का मानना है कि आगामी टेस्ट सीरीज में भारत के पास ऑस्ट्रेलिया को हराने का अच्छा मौका है, क्योंकि वह अब ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर गेंदबाजों के लिए पहले की तरह अनुकूल नहीं है। 5 दिवसीय टेस्ट श्रृंखला की शुरुआत 17 दिसंबर से एडिलेड के मैदान पर डे नाइट टेस्ट के साथ होगी। रमीज ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर अब वैसी नहीं है जब कुछ सालों पहले हुआ करती थी। पीछे अब उछाल कम है, गेंद कम मूव होती है और गेंदबाजों के लिए उतनी अनुकूल नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि दर्शकों की संख्या की जरूरतों को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया चाहेगा कि भारत के खिलाफ टेस्ट पूरे 5 दिन चले और इसी के अनुसार सीए पिच को तैयार करेगा। कोविड-19 महामारी के कारण भारी भरकम नुकसान के बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को भारत के खिलाफ होने वाले सीरीज में काफी उम्मीदें हैं। पूर्व टेस्ट सलामी बल्लेबाज रमीज ने कहा कि सीए को भारत के खिलाफ श्रीलंका फायदा उठाने की जरूरत है। उन्हें पता नहीं है कि श्रृंखला को देखने वाले दर्शकों की संख्या और मैदान पर आने वाले दर्शकों से मिलने वाले पैसा कितना महत्वपूर्ण है। रमीज ने आगे कहा कि भारत के पास ऐसी बल्लेबाजी क्रम है जो ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ सकता है और साथ ही भारतीय गेंदबाजी में काफी सुधार हुआ है। गेंदबाजी आक्रमण भी काफी अच्छा है और ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में यह बात होगी। उन्होंने आगे कहा कि भारत को सीमित ओवरों की सीरीज में रोहित शर्मा की कमी खलेगी, क्योंकि वह सफेद गेंद से क्रिकेट में अब दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं। बता दें कि रोहित पैर के मांसपेशियों की चोट से उबर रहे हैं और सिर्फ टेस्ट श्रृंखला के लिए उपलब्ध होंगे।